वो जो लोग हैं वो गलत काम नहीं करेंगे। कौन? मतलब ये जो ठरकी लोग होते हैं ना, जो रात को घूमते हैं राक्षस बन के, ताकि लोगों के तन बदन को तहस नहस कर सके। तो जब वो लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो फिर दूसरों को क्यों छेड़ेंगे भला? और इसीलिए राखी सावंत का मैंने चयन किया है, क्योंकि वो रातों रात हाथों हाथ वो डॉल्स बिक जाएगी। और मुझे पता है कि ये जो बलिदान राखी करने जा रही है तो वो एक समाज सेवा होगी, क्योंकि अगर हम कुछ अरे अपने को बिकवा के क्या मैं सगा सेवा करूंगी? ये कौन सी समाज सेवा है बाबू? मतलब बाबू तो मुझे अपने आप बीवी को बिकवाओगे, रेप करोगे? अरे ये क्या है भगवान? राखी देखो तुम मान जाओ, ऐसे मत करो, क्योंकि इसमें वो लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे और वो ऐसे गलत कारनामे नहीं करेंगे। अरे तुम इधर शादी की तुम्हारी बात करने आए हो कि मेरा क्या, मुझे बेचने आए हो? अरे अगर समझो नहीं भी, मैंने बचपन में एक तकिया रखा था जिसको मैं राखी सावंत समझता था। तो उसमें गलत क्या है? राखी बचपन में मतलब आपकी एज बता रहे हैं वो? नहीं नहीं नहीं, वैसे कुछ नहीं है, मतलब अभी भी मैं उतना ही यंग हूँ, जबकि मेरी उम्र जो है वो 24 years and 300 months है, लेकिन अभी भी मैं उतना ही जवान हूँ। और राखी को उसका ऐसा And I'm just born. I'm just born. Yeah. हाँ, तो हमारी वेडिंग कैसे होगी? तो आप ये कहना चाहते हैं कि राखी सावंत नाम के एक आप डॉल बनाएंगे और उस डॉल का नाम राखी सावंत रखेंगे? या और उसके बाद में वो जो मतलब अभी तक पूरे जैसे तैमूर के एक डॉल बनी है वैसे मेरी भी बनेगी। हाँ डेफिनेटली, और उसमें गलत क्या है? क्योंकि देखो नहीं, बट गलत ये है कि ये गंदे काम करेंगे वो मेरे डॉल के साथ। हाँ तो डॉल के साथ, तुम्हारे साथ नहीं ना डार्लिंग, वो तो सिर्फ तुम मेरे साथ करोगी। और वैसे दुनिया मुझे लग रहा है कि अपने तकियों को राखी सावंत बना रही है, दुनिया जो है पता नहीं कौन सी चीजें सब कोई बलून को राखी सावंत का चेहरा देकर बलून के साथ खेल रहा है। तो अगर हम ऑफिशियल एक डॉल लॉन्च करते हैं, ये तो कैसे प्रोडक्ट की बाबा, तुम आपने तो मुझे बीवी नहीं प्रोडक्ट बना दिया। नहीं, नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है। आज आप सरप्राइज देने वाली थी, क्या कौन सा सरप्राइज रहेगा? सरप्राइज तो अभी मुझे मिल गया है। सरप्राइज तो मुझे मिल गया है अभी। नहीं नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मेरे इंटेंशन नहीं नहीं मैं समझ नहीं रही हूँ, तुम गलत हो, माफी मांगे। मेरे इंटेंशंस जो है वो बहुत पाक है, वो नापाक नहीं, नहीं तुम्हारे इंटेंशन काम ही नहीं कर रहे हैं। मेरे जो इंटेंशन जो है वो आज लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हजार साल बाद लोग कहेंगे कि मैं सही था। हजार साल बाद? हाँ, क्योंकि लोगों को मेरी जो सोच है हाँ वो हजार साल आगे है। हजार साल आगे है मेरी जो सोच है वो। तभी आप न्यूड शादी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा खर्चा बचाया जा सकता है। ईव और एडम के टाइम पे तो कपड़े हुआ नहीं करते थे। यू आर राइट, एक्चुअली जो पैसे बचेंगे उसमें हम गरीब लोगों को आईफोन गिफ्ट दे सकते हैं जो आज ओप्पो वीवो यूज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। कम ऑन राखी, तुम्हें ये माननी पड़ेगी मेरी बात, ऐसे मत करो प्लीज। तुम दीपक कलाल से शादा करने जा रही हो और मेरे विचार हमेशा यूनिक और अनकन्वेंशनल रहे हैं। मैंने तुम्हें इतने सपने देखे थे कि मेरी मेहंदी होगी, मेरी हल्दी होगी, मेरा लहंगा सिलेगा, मेरे जेवर आएंगे, सब्यसाची जो है वो मेरे लिए, सब्यसाची आजकल सबको दे रहे हैं कपड़े, मॉडलों का निकाल निकाल के सबको पहना रहे हैं। मैं सोच रही मुझे भी मिलेगा। जो बजट रखा था वो 1 crore 20 lakhs था अपने कपड़ों को लेकर, लेकिन अगर हम न्यू शादी करते हैं तो वो 1 crore 20 lakhs डॉलर्स नहीं, मैं अमेरिका में रहता हूँ इसीलिए गलती से बोला, इंडियन रुपीज हम गरीबों के लिए यूज कर सकते हैं। ये बताओ हमारी शादी हो रही है नहीं हो रही है? डेफिनेटली हमारी शादी हो रही है। उसके बाद में फिर उसी रात हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक हर एक जगह पे लाइव सुहागरात, क्योंकि देखो लोग जो है वो सेक्स को गलत मानते हैं। इंडिया में सब लोग सेक्स करते हैं लेकिन वो सही ढंग से नहीं करते हैं। मैंने 9 महीने का कोर्स किया है न्यूयॉर्क से। सेक्स का? हाँ, सेक्स का कोर्स भी होता है, मतलब इंटर कोर्स किया है सेक्स का, मतलब कोर्स किया है मैंने। वो तो इंटर कोर्स ही होता है ना, बट सेक्स का कोर्स भी होता है। कहाँ होता है? क्योंकि इसको जो है वो सिखाया जाता है कि किस, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को जरूरत है ताकि उनके डाइवोर्स ना हो। नहीं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेक्स जो परिभाषा होती है वो बहुत पवित्र परिभाषा होती है। आप खजुराहों की मूर्तियां देख लो, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि कुंडी लगाओ और कुछ भी करो, उसमें आप तरह तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। मतलब कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। हाँ, ओह माय गॉड, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझे वो
प्रैक्टिकल अभी करना चाहिए डार्लिंग, जो हम हनीमून के बात करने वाले थे, बट नो प्रॉब्लम, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप। हनीमून के बाद तो हमारी शादी के बाद हम एक ही चीज करेंगे, चलो सुनी चंपा सुन तारा कोई जीता। बट ये तो चक्के करते हैं, तो तुम हो ना। नहीं नहीं, ये ऐसे ही मजाक में कह रही है। मेरे मर्दानगी के जो किस्से जो है वो हमने दोहराए हैं, और मुझे लगता है वो राखी ने बखूबी एंजॉय भी किए हैं। लेकिन आप तो विराट कोहली के बच्चे के बाप बन चुके। मेरे वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं लड़कियों की एक्टिंग करता हूँ। Really? But real life में मैं खट्टा खट्टा चट्टा मर दूँ डार्लिंग, तो सबको मैं दर्द दे सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो को देखकर मेरी पर्सनैलिटी को जज ना करें। ओके तो रही बात हमारा टॉपिक क्या था डार्लिंग, मुझे थोड़ी भूलने की आदत है, थोड़ी पीन लगा दो। आप लाइव सुहागरात मना रहे थे इंस्टा और फेसबुक पे, तो आप राखी ने दिखाया मंगलसूत्र पहनाने वाले हैं, वो हम टीम में पहनेंगे क्योंकि वो क्लाइमैक्स है। देखिए जब मैं अमेरिका में थी तब मुझे इन्होंने प्रपोज किया था, एम आई राइट? डेफिनेटली। हाँ तो मुझे कहा था आई एम इन लव विथ यू राखी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, विल यू मैरी मी? तो मैंने कहा ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी से पहले टेस्ट ड्राइव तो होता है ना? डेफिनेटली होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें, तो मैंने कहा कि टेस्ट ड्राइव तो चाहिए, फिर बाद में बार बार शादी इंसान करता नहीं है, बार बार तलाक नहीं ले सकते, तो मैंने इनका टेस्ट ड्राइव करते हैं, और मैंने जो है वो 150 के स्पीड में गड्डी दौड़ाई है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। लेकिन मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ। कम ऑन राखी, भूल गई, आई टोल्ड यू टू डू विद मी टेस्ट ड्राइव एंड यू वेंट समवेयर एल्स, हाउ डेयर यू? वो मेरी, यू एंड नॉट विद अ फीमेल, यू वेंट विद अ मेल्स। कम ऑन, ऐसे कुछ भी नहीं है। ओ माय गॉड, तुम ये सब क्या कह रही हो राखी? तुम समझने की कोशिश करो, तुमने जो मेरे बारे में गलत सोचा था तो उसको प्रूव करने के लिए मैंने तुम्हें कहा कि ऐसे कुछ भी नहीं है, और उसके बाद में फिर मैंने जो है राखी को उस रात सहलाया, बलखाया, फुसलाया, और उसके बाद में पूरी तरह से काम शादी हो गया। राखी देखो, तुम ऐसे मत कहो, तुम्हें दुनिया को ये बताना है जो हमने किया है, तुम्हें जो है वो दुनिया को बताना है, नहीं तो ये सब लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे जीते जी अभी हुए नहीं है, अभी हुए नहीं है आप पति। हाँ। मेरे, और मैं पवित्र हूँ, मैं ये सब नहीं करती हूँ, मैं आपसे शादी इसलिए कर रही हूँ कि मैं जिंदगी भर पवित्र रहना चाहती हूँ। क्यों ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो, मैं वो पुजारी हूँ जो तुम्हारे मंदिर में घंटियां बजाना चाहता हूँ। आप ना घंटी बजा सकते ना घंटा। राखी कम ऑन, ऐसे मत कहो तुम, मैंने तुम्हें मेरे मर्दानगी का एहसास मुझे बात समझ में नहीं आता, कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के बाद ये नाजायज संबंध होना जरूरी है, आई मीन सेक्स वर्क्स के, किस कौन सी किताब में लिखा है? हम शादी के बाद पवित्र रहेंगे, आप मेरे भाई बन के रहोगे। राखी तुम क्या कह रही हो, अभी हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और इसमें तुमने इजहार किया है। इसके बाद नहीं नहीं अभी सेकंड इनिंग बाकी है ना, ये इनकी एक बार निकल चुकी, ये बंद नहीं होंगे। हाँ जी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। जी तो देखिए 31st को क्या, अभी तो 31st देखिए मैं शादी कर रही हूँ, हम लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन शादी के बाद हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, मैं तो पवित्र ही रहने वाली हूँ, और मैं तो ऐसी कभी कोई चीज नहीं करती। राखी मेरे पास ऐसे ऐसे परफ्यूम है कि जिसे सुनने के बाद हिरनी जो है ना वो भी बौखला जाती है, और हिरन के लिए बहुत घूमते रहती है, तो अगर वो परफ्यूम जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहा हूं, लेकिन वो हिरन के लिए ना, तुम तो सांड हो जानू। तुम तो सांड हो, तो डेफिनेटली है कि वो परफ्यूम सुनने के बाद, और उसके बाद में फिर मेरे कुछ मैनली डांसिंग अदाएं देखने के बाद, हाँ तुम्हारा तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे, वो डेफिनेटली मेरी बाहों में आ जाए। देखिए आज मैं
आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ। लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। जी हाँ, ये आप ही के लिए है, आपकी इज्जत का ढक्कन। राखी जी सामने जी। लेकिन राखी ये तो मुझे तुम्हें पहनाना है। नहीं, मंगलसूत्र हाथ में ले लो। नहीं, ये रूल बदल चुका है। राखी ऐसे मत करो, देखो ये मंगलसूत्र मुझे तुम्हें पहनाना था, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम तो शादी के पूरे सूत्र बदल रही हो। हाँ। हाथ में पकड़ो, दिख रहा नहीं। बाप रे, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई लड़की लड़के को मंगलसूत्र पहना रही है। पागल, कोई लड़की लड़की को मंगलसूत्र पहना रही है? ओह माय गॉड, ये मंगलसूत्र है या दंगल सूत्र है? ये दोनों, ये दंगल ही है। ओह माय गॉड, इसने तो मेरे जिंदगी में कहर डाल दिया। आज से आप मेरी हो गई है। लेकिन कहीं ये पहन के मैं मुसाफिर का सज्जे तक तो नहीं लग रहा हूँ। चलो एक गाना गाओ शादी का, बढ़िया। कौन सा वाला? कोई भी। चढ़ गई गाली तेरी ना सुने रिकॉर्ड। क्या हुआ? सॉरी, ये गाना शादी में नहीं। ओए है जी, इतना गंदा गाना आपने, मैं तो सोची सचमुच कोई गाना। गॉड, ये एक्चुअली शादी में जो लोग आते हैं शुभेच्छाएं देने के लिए तो वो गाना गाते हैं। तो शादी का कौन सा गाना? अच्छा, आपने कहा नहीं कि जो भी हमारी शादी में आए वो कोई गिफ्ट ना लाए। अच्छा, दूसरी बात, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी ये जो शादी जो है तो इसका बजट हमने 70 करोड़ रखा हुआ है। तो जितने भी बाराती वहाँ पे आएंगे उनको हम iPhone 12 Plus गिफ्ट करने वाले हैं। तो देखिए, लोगों की शादियाँ जो है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शादियाँ 5-6 दिन होती है, लेकिन हमारी जो रस्म है, शादी है, वो 20-25 दिन चलेगी। तो हनीमून कब करेंगे फिर? देखो राखी, ये जो तुम है, लेकिन सुनो, 4-5 बार हल्दी लगेगी, 4-5 बार मेहंदी लगेगी। तो वैसलिन कब लगेगा? तुम्हें वैसलिन की ज्यादा जरूरत है, अभी तो फटी पड़ी है, इसको सिलने तो दो पहले। अरे तुम पीली होने से अच्छा ढीली हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है यार। ऐसे मत करो राखी, इतने लंबी लंबी तुम रस्में कस्में करोगी तो फिर मतलब वो बाकी के काम कब होंगे? हमें कांड भी तो करने हैं ना, जब यहाँ पे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। अरे जानू, तुम कांड करने के लायक नहीं हो, थोड़ा समझो। राखी, तुम्हें मेरे बारे में धारणाएं गलत है और ये गलत धारणाएं गर्भधारण होने के बाद विश्वास चलेगा। तुम कांड नहीं कर सकते। जब गर्भधारणाएं होगी ना तो मेरे बारे में जो धारणाएं है वो गलत है, तब इसको पता चलेगा। कौन सी धारणा? गर्भधारणा। ये क्या होता है? मतलब प्रेग्नेंट होगी तुम। राखी, समझने की कोशिश करो। अभी तो तुम विराट के बच्चे की माँ बनने वाली थी। राखी, मैंने वीडियो में वैसे कहा, लेकिन रियलिटी में हमारे 20 बच्चे होंगे। किसके? हमारे? डेफिनेटली, हम पूरी एक क्रिकेट टीम बना सकते हैं। ह्यूमन सरोगेट, मतलब तुम शादी मुझसे करा, तुम्हारे सारे लोग? कोई सरोगेट नहीं, कोई कुछ नहीं राखी, वो सब हम दोनों मिलकर निर्माण करेंगे। तुम समझने की कोशिश करो। तुम सार्वजनिक हो, मैं सार्वजनिक नहीं हूँ, मैं पवित्र हूँ। मतलब ये सब मेरे साथ करने के बाद होंगे वो 20 बच्चे? अच्छा, तुम पैदा करोगे तुम्हारे साथ करने से? तो तुम्हें अभी तक विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्या राखी, मैं एक मर्द हूँ और मैं तुम्हें बहुत बड़ा दर्द देने वाला हूँ। अच्छा, डेफिनेटली। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राखी जो है, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद उतनी समझ नहीं पा रही है, जबकि मैंने उसको कामशास्त्र के पाठ भी पढ़ाए हैं, लेकिन शायद मेरे कामशास्त्र। मैं नादान हूँ, मुझे डेटिंग बहुत सारी चीज़ें हर जगह जाते हैं, मुझे पूछते हैं, मुझे मालूम है, आप जानते हैं मेरा सर्टिफिकेट आपके पास है वर्जिनिटी का। आई डोंट नो व्हाट इज मनी। जब तुम लॉस एंजलिस में आई थी और जब मैंने तुम्हें वो चॉकलेट पैंटी पहनाई थी और जब मैंने तुम्हें वो कैसी पिघलती है और किस तरह से वो चॉकलेट को चाट कर सामने वाले को उत्तेजित किया जाता है, वो सब मैंने तुम्हें बताया तो वो तुम्हारे अभी तक पल्ले नहीं पड़ा। चॉकलेट कब चाटी आपने? राखी, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये पल्लू तुम हटा दो। जब तुम ये पल्लू हटाओगी तो सब तुम्हारे पल्ले पल्ले पड़ेगा। भारतीय नारी की साड़ी पे हाथ नहीं लगाना। क्वेश्चन आंसर।
शबनम शेख के उन्होंने आप पे और सारा खान पे कोर्ट में केस दायर किया है और आपको ललकारा भी है। पब्लिसिटी स्टंट है वो, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। हमने तो सारा खान ने भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा, सारा खान ने यही इतना ही कहा था कि जहां आदमियों को देखना चाहिए वो एक मुस्लिम लड़की है, जहां आदमियों को देखना चाहिए वहां नहीं देखना चाहिए। तो सिर्फ औरत ही बुरके क्यों पहने, आदमी भी पहने, उसने सारा खान ने उतना ही कहा था। और मुझे नहीं लगता इस बात पर कोई केस होना चाहिए। दिस इज ऑल पब्लिसिटी स्टंट पीपल आर डूइंग। जिसको जितना केस करना है करे, इस पर बात में कोई दम ही नहीं है। क्योंकि हमारी राखी बहुत फेमस है और अगर राखी का नाम जुड़ जाता है तो फिर मिलियन में व्यूज आते हैं और इसीलिए लोग राखी से शायद हमारे करण कोई उनको पहचान ले इसीलिए ये कर रही। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। राखी जी, आपका जो कार्ड और वो सब आ रहा था उससे बोल रहे थे कि जो है पब्लिसिटी स्टंट है ये शादी, क्या कहेंगे इस बारे में कुछ? कार्ड तो इन्होंने छपा, इनको पूछो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है। ओह माय गॉड, कल जाके अगर हम लोग लाइव सुहागरात भी करेंगे और बच्चे भी पैदा हो जाएंगे ना तो लोग कहेंगे कि ये पब्लिसिटी। वाह 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 वाह, बड़े बड़े सेलिब्रिटी शादी करे तो वो शादी, और मैं शादी करूँ तो वो बर्बादी। देखो देखो बस, अब हो गई शादी और दे दो हमको गाड़ी और कुछ नहीं। हम कहाँ शादी कर रहे हैं? हम लोग लॉस एंजलिस में मलिबू बीच में, मेरे घर पे मेरा विला है वहाँ पे मलिबू बीच। मलिबू या मलिबू बीच पे। और हमारी शादी में शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ, करीना, तैमूर और जॉन सीन और मियां खलीफा खलीफा भी आ रहे हैं। ये कौन है? तुम्हें नहीं पता ना? तुम उनकी फिल्में नहीं देखती हो? कौन सी फिल्म है? फिर शादी के बाद पता चलेगा। बताओ तो कौन है? दीपक ही तुम्हारा जॉन सीन है। कौन है? कौन है? कौन है वो लोग? वो बहुत बड़े पॉर्न स्टार है। पॉर्न स्टार हमारी शादी में क्या करेंगे आकर? तो मतलब मैं तो मेरे सनी लियोन भी आ रही है। नहीं, सनी लियोन ही नहीं आ रही है। क्यों? वैसे मैं भी एक पॉर्न स्टार हूं डार्लिंग। छी, मतलब अभी हमारी शादी हो रही है तो तुम्हारे साथ जो करूंगा तो मैं भी तो पॉर्न स्टार ही बन जाऊंगा ना। लेकिन मैं पॉर्न स्टार नहीं हूं। हां, आप तो मैं स्टार हूं। अच्छा, ओके। ये पॉर्न स्टार क्या होता है बाय द वे? तुम्हें नहीं पता? नहीं। हमारी राखी बहुत दूध की धुली है, इसे लस्सी से मत धोना। हमारे राखी को लस्सी से मत धोना क्योंकि वो दूध की धुली है। मुझे एक बात समझ में, हमारी शादी में सब पॉर्न स्टार आएंगे? नहीं। अरे देखिए, अमित जी ने, अमिताभ बच्चन जी ने, जितने भी सेलिब्रिटीज है, शिल्पा शेट्टी, गणेश आचार्य, नाना पाटेकर जी, तनुश्री दत्ता, तनुश्री दत्ता, सबने बोला है। शाहरुख, सलमान, आमिर, जितने भी है, सैफ अली, नाना पाटेकर, सबने बोला है कि वो हमारी शादी में आएंगे। okay. और कंफर्मेशन आ चुका है। शाहिद कपूर, पवन सिंह भी आ रहे हैं। पवन सिंह, फिर खेसारी लाल, पवन सिंह और मैकडॉनल्ड ट्रंप, मैकडॉनल्ड ट्रंप, ये मेरे बाल, और ये निरहुआ। और आज आप देख रहे हैं कि आज जो मैंने साड़ी पहनी है ये मुझे मैकडॉनल्ड ट्रंप जी ने गिफ्ट करी है। जब लास्ट टाइम मैंने अपनी ड्रेस में मोदी जी की फोटो लगाई थी तो सबको बहुत तकलीफ हो गई, तो उन्होंने मुझे, मैकडॉनल्ड ट्रंप जी ने कहा है मुझे। ये कौन है? अरे पति हूँ मैं तो, मुझे तो अभी अभी पति नहीं हूँ, अभी शादी को बाकी है, उससे पहले हाथ मत साफ करो। अरे मतलब नहीं नहीं हाथ नहीं लगाना, मैं पवित्र हूँ। मैं तो बूटी को किस कर रहा हूँ। कौन सी बूटी? जड़ी, मतलब बूटी, तुम्हारी प्यारी सी बूटी यार। अपना बूटा उधर रखो तुम्हारा। कौन सी जड़ी बूटी खाई है जो इतनी? सुनो तो, एक मिनट, तो देखिए मुझे मैकडॉनल्ड ट्रंप जी ने ये साड़ी गिफ्ट करी है। उन्होंने कहा राखी, इंडिया में कोई तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो अब जब कभी भी तुम कहीं पे भी जाओ, शादी करो, तो सबसे पहले आज सुबह ही मुझे ये जो है अमेरिकन फ्लैग की साड़ी जो है गिफ्ट आई है। और आज थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं मैकडॉनल्ड ट्रंप जी को कि आपने मुझे ये जो साड़ी भेजी और मैंने ये पहनी है। मैं धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मुझे चार्टर्ड प्लेन दिया है, चार के सारे सेलिब्रिटीज आ सके। और एक मिनट, ये मैं खड़ियों की बात क्यों कर रही हूँ? और चार्टर्ड प्लेन दिए हैं
मैकडोनाल्ड ट्रंप जी ने और कहा है कि सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो इसी प्लेन में आएंगे, सबके वीज़ा हो गए हैं और सारी तैयारियां हो चुकी है हमारी शादी की। या डेफिनेटली, मैं तो बिल्कुल प्यार में खो गया था, क्योंकि पता नहीं जब राखी साथ में होती है ना तो बंदा जो है वो पूरी तरह से बह जाता है उसकी खूबसूरत अदाओं से, उसके लटकों से, झटकों से। ज्यादा मत बहो, वो सब पानी भर लेंगे। थैंक यू। और मैं विश करती हूँ कि सारी मीडिया हमारी शादी में आएंगी, जितनी भी मीडिया है सबको दो दो IX फोन, सबके वीजा हो चुके हैं, सबके पासपोर्ट के डिटेल्स पहुंच चुके हैं, सबकी टिकट होगी जी, हो गई है। सुहागरात लाइव होगी और उसमें सबको आना है। लाइव सुहागरात हमारी होगी, उसमें सबको आना है। और राखी प्लीज तुम इसके लिए हामी भरो, क्योंकि तुम बहुत शर्मीली हो और तुम इस बात के लिए मना कर रही हो जो बहुत गलत है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारी लाइव सुहागरात होगी। जी हाँ, मैं अभी आज जा रही हूँ रणवीर और दीपिका के रिसेप्शन में, मैं जा रही हूँ, इसलिए स्पेशल मैंने यही साड़ी पहन रखी है। अभी ये चेंज करो, दूसरी मीडिया आ रही है ना। अभी सुनो, अभी ये बातें नहीं करते।